प्रकाश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। इस रिपोर्ट में बात हो रही है कयासों के आधार पर, क्योंकि ऐसा होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए कि प्रियंका गांधी को सचिन पायलट से जल्द ही मुलाकात कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक प्रियंका गांधी ही है जो यहाँ पर सचिन पायलट की बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त बताई जाती है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि चुनाव इसी साल होने हैं और इसी साल चुनाव होने की वजह से यहाँ पर पायलट को अभी आगे नहीं किया जा रहा। अब कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि उनके CM बनने की जो संभावनाएँ थी वो ख़त्म हो रही है। प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए कहा जा रहा है कि शायद उन्हें आगे किया जा सकता है, लेकिन बात तो लड़ाई यहाँ पर जो है वो CM पद की है, ना कि किसी और पद की। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए यहाँ पर तो अभी भी ये कहा जा रहा है कि शायद प्रियंका गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के भी काफ़ी ज़्यादा करीबी मानी जाती है, तो अगर वो उनसे बातचीत करती है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पायलट को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब देखा जाए तो बार बार ये दोहराया जा रहा है कि पंजाब जैसे हालात हो जाएंगे राजस्थान में, लेकिन क्यों होंगे? सोचने वाली बात है, क्योंकि राजस्थान और पंजाब दोनों ही जगह पे जो सिचुएशंस है वो काफ़ी अलग है। पंजाब में ऐसा था कि अमरिंदर सिंह यहाँ पर मुलाकात करना चाहते थे सोनिया गांधी से, नहीं हुई, इसलिए वो नाराज़गी की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया और इसलिए CM बदला गया। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए राजस्थान में, तो यहाँ पर गहलोत तो CM पद से इस्तीफा देना ही नहीं चाहते, बल्कि यहाँ पर पायलट के समर्थक अब कहीं ना कहीं, और पायलट को लेकर भी एक कयास लगाए जा रहे हैं कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ पर चुनावों से पहले पायलट को नुकसान नहीं होगा, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को ही नुकसान होगा और BJP इस चीज़ का फायदा उठाती नजर आएगी। और अब तो आप देख ही रहे हैं, जो हमने खास रिपोर्ट आपके साथ साझा की, कि पायलट के गढ़ टोंक में असदुद्दीन ओवैसी भी पहुँच चुके हैं, मुस्लिम साम्राज्य समुदाय को अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो राजस्थान में दो ही ऐसे समुदाय हैं, एक तो यहाँ पर देखा जाए गुर्जर समाज, दूसरा यहाँ पर मुस्लिम समाज, जो कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी को हराने और जिताने में काफी ज्यादा मदद करता है। लेकिन अब यहाँ पर कयास जो है, और एक उम्मीद है कि यहाँ पर प्रियंका गांधी को एक बार मुलाकात करनी चाहिए सचिन पायलट से, उनको समझना चाहिए उनकी क्या जरूरतें हैं या फिर क्या वो चाहते हैं वो समझना चाहिए, वरना बिना बात के अगर पार्टी से बगावत हो गई तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश जैसे हालात हो जाएंगे, पंजाब जैसे तो नहीं लेकिन मध्य प्रदेश जैसे हो जाएंगे कि सरकार मान लीजिए कि जीत भी गई चुनावों में तो कुछ समय बाद गिर जाएगी पार्टी, ये मान लीजिए ये बात हो सकती है। तो सवाल सिर्फ इतना मेरा कि आपको लगता है कि प्रियंका गांधी ही है जो कहीं ना कहीं सचिन पायलट की नैया को पार लगा सकती है? क्या उन्हें जल्द ही बात कर लेनी चाहिए मल्लिकार्जुन खड़गे से? इस पर राय जरूर दीजिएगा और बाकी सी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।